अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा ख़ान मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए ट्रैक्टर लेके आया हूं फैक्टो बिलारस 2020 मॉडल। बिल्कुल फ़्रेश ट्रैक्टर है और इसका नंबर नहीं लगा हुआ। आज मैं आपकी इसकी कम्प्लीट रिव्यू और वीडियो बनाऊँगा। आप इसके टायर देख सकते हैं, ये बेलेशिना के टायर हैं, 15-5 और 38 के टायर हैं और ये इसका साइज़ है। इसकी छत के एंगल ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं, छत अभी खड़ी नहीं की, सीट के ऊपर कवर देख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश ट्रैक्टर है ये। फ्रंट से भी आपको ये दिखाऊं, फैक्टो का अपना एक लोगो है जो कि आप ये देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, फैक्टो ये लिखा हुआ है, ए नेम ऑफ फेथ। ये ट्रैक्टर का दूसरा साइड है, सलेंसर भी खड़ा नहीं किया इन्होंने। ये ट्रैक्टर काफ़ी ख़ूबसूरत ट्रैक्टर है, बिल्कुल फ्रेश है और ये अवेलेबल है। फ्रंट टायर भी आप इसके देख सकते हैं, फ्रंट टायर भी बेलेशिना के टायर हैं। ये बेलेशिना का लोगो आप देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। फैक्टो ट्रैक्टर जो कि 35 या 40 हज़ार शेज़ार ट्रैक्टर से थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसकी कंडीशन और रंग की अगर हम बात करें तो ये बाकी ट्रैक्टरों से काफ़ी यानी कि नीट एंड क्लीन और शाइनिंग में ये बहुत ज़्यादा होता है। मीटर के ऊपर भी आप इस ये कवर देख सकते हैं जो कि बिलारस ही लग के आया है और ये फ्रेश ट्रैक्टर है। काफ़ी ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो कि गोदाम में खड़े रहते हैं और वहाँ महीनों यानी कि खड़े रहते हैं और इसके ये ऊपर वाले जो शापर ही होते हैं ये फिर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जो ये ट्रैक्टर बिल्कुल फ्रेश है। इसके सीट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, और सल्फ इस ट्रैक्टर का जो है ये सिल्वर कलर में, इसको पेंट नहीं किया गया। इसके रिम के जो नट हैं ये पहले ट्रैक्टरों में रेड आते थे, लेकिन इसमें चेंजिंग करके इन्होंने वाइट रख दी हैं और ये ख़ूबसूरत लग रहे हैं। बैक आपको दिखाऊं, ये ट्रैक्टर का बैक है, ये वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही है ये चेसिस पतरी होती है इसकी, और इसके ऊपर ये मॉडल, वेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर जेन्युइन बैटरी लग के आती है जो कलर में ब्लैक होती है, और ये फैक्टो का भी एक लोगो लगा हुआ है, आप इसको देख रहे हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।